हेलो, वेलकम बैक। हमारी टैक्सी रेडी है, सुबह के 10 बज रहे हैं। आज हम बाली का लास्ट डे, हम वापस फ्लाई आउट कर रहे हैं। तो हमने टैक्सी बुक की थी उबोध से, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो हमारी फ्लाइट अराउंड 2 o'clock है, तो इट वॉज सेफ इनफ टू लीव एट 10 o'clock, ट्रैफिक को अपने माइंड में रखते हुए। उबोध से हम ट्रैफिक में पास हुए, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उबोध में ट्रैफिक हो जाता है सुबह सुबह। हमने चेक इन ऑलरेडी कर दिया है, सब कुछ, ऑल थिंग्स आर डन। अब हम बस एयरपोर्ट जाएंगे। बाली की ट्रिप बहुत ही अच्छी रही हमारी, इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज लुकिंग एट द न्यू थिंग्स। बाली में आपने ऑलरेडी हमारी 6 वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो ऊपर सारी वीडियोस मेंशंस हैं। आप वन बाय वन करके जाएंगे तो आपको सारी ट्रिप का एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपनी भी रिसर्च करें, जिससे कि कुछ प्लेसेस ऐसी हिडन हैं जो सबको नहीं पता होती, और वहाँ जाने से ट्रिप और ऑसम हो जाती है। फ्लाइट हमारी 2 बजे है, और लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी 11:30 तक पहुँच गए हैं। हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं उबुद से एयरपोर्ट तक आने में। टैक्सी के लिए हमने अराउंड 250K पे किए हैं। दिस प्राइस कैन गो अप टू 300-350 डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से बुक कर रहे हैं टैक्सी। एयरपोर्ट पे हम चेक इन के लिए खड़े थे, क्योंकि चेक इन ऑनलाइन होता है, बट लगेज हमें ड्रॉप करना था। हमारा एक ही लगेज था, हमने एक ही लगेज खरीदा था। हमारी फ्लाइट थी वाइट जेट, और काफ़ी अच्छी फ्लाइट थी वो, बजट एयरलाइंस है, बट इट वॉज गुड, टाइम पे चल रही थी। चेक इन करने के बाद थोड़ा सा हमने खाया पिया, क्योंकि फ्लाइट में कुछ नहीं मिलने वाला था ऐसे जो हमारी स्पेसिफिक नीड्स है फूड की। इमिग्रेशन पे आपसे कुछ नहीं पूछते, बस आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे एंड देन यू आर गुड टू गो टू फ्लाई टू योर होम कंट्री। फर्स्ट फ्लाइट हमारी थी बाली से वियतनाम के लिए, एंड देन फ्रॉम वियतनाम टू दिल्ली। फ्लाइट टाइम पे थी, टाइम पे पहुंचाया। फ्लाइट दिन में थी तो हमें अच्छे से व्यूज़ भी मिलने लगे बाली के। ये हम जस्ट टेक ऑफ करने के बाद जब स्टेबल हो गए तब लिया। वो जो माउंटेन आपको दिख रहा है वो है माउंट अगुंग, जो सबसे बड़ा लंबा माउंटेन है। उस वाले माउंटेन की भी लोग हाइक करते हैं। इसी माउंटेन पे बेसाक टेम्पल भी है, और ये माउंटेन किंतामणि व्यू पॉइंट से भी दिखता है। तीन माउंटेन दिखते हैं किंतामणि से, बतूर, अबांग एंड अगुंग। ये अगुंग है सबसे बड़ा माउंटेन। बाली जितना नीचे से खूबसूरत है, उतना ही प्लेन से भी बहुत खूबसूरत दिखता है। बाहर के नज़ारे के मज़े लेते हुए हम लोगों ने अपनी एक छोटी सी नैप ली। जब उठे तो ऑलरेडी वियतनाम में लैंडिंग का टाइम हो चुका था। आज थोड़ी बहुत क्लियर स्काइज हैं, तो वियतनाम भी ऊपर से हमें अच्छे से दिखाई दिया। एक्चुअली बहुत सारे लोग वियतनाम भी जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी रेगुलर फ्लाइट्स हैं यहाँ पे इंडिया से वियतनाम के लिए। फ्लाइट्स हमारे टाइम पे थी, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इस एयरलाइन से भी बुक किया जा सकता है, और ये सबसे वन ऑफ द बजट एयरलाइंस है इस रूट पे। डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है इसकी शायद इंडिया से, तो इट्स बाय वियतनाम टू बाली। हमें पता ही नहीं चला हमारे पूरा वीक का टूर कैसे ख़त्म हो गया। हमें लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि एक हफ्ता भी पूरा नहीं है टू एक्चुअली एक्सप्लोर द बाली कम्प्लीटली। तो एटलीस्ट 10 डेज तो होने चाहिए, बट अगर शॉर्ट हैं तो 1 वीक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपके फर्स्ट एंड लास्ट डे तो ट्रैवलिंग में ही चले जाते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी सारी वीडियोज़ में वो हेल्पफुल हों।